जोशुआ के बाद में आर्यन कंदारी का नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट प्रैक्टिस पुल किसके साथ में हुआ था? आभास राणा क्या प्रैक्टिस पुल कर रहे हैं, क्या मैचेस खेल रहे हैं, और कई सारे मैचेस जो कि एशिया में अभी हो रहे, एशियंस में अभी हो रहे, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। What is up YouTube, welcome back to KSF Academy, आपके अपने आम रेसलिंग हिंदी न्यूज चैनल पे। यहाँ पे हम आपको आम रेसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। मेक श्योर आप हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए। आर्यन कंदारी का अभी एक लास्ट मैच हुआ था, बहुत ज्यादा हाइप हो गया था आर्यन कंदारी वर्सेस जोशुआ, और आर्यन ने अच्छा खासा बीट किया था। तो क्या आर्यन कंदारी का और किसी के साथ में भी प्रैक्टिस पुल हुआ क्या वहां पे? सो यस, मनोज देवनाथ के साथ में उनका प्रैक्टिस पुल हुआ था। आर्यन कंदारी फिलहाल 82 केजी के वेट कैटेगरी पे चल रहे हैं। मनोज देवनाथ बहुत लंबे टाइम से अंडर 70 में एक बी अनबीटेबल किंग रह चुके हैं, रह रहे हैं। उनका उनके साथ में लेफ्ट हैंड का पुल हुआ था। अब लास्ट के जो हमने वीडियोस अपलोड किए थे जोशुआ के साथ में, तो बहुत लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि आर्यन का राइट इंजर्ड है बट लेफ्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत लेफ्ट एकदम फ्रेश था। सो जोशुआ के अगेंस्ट में वो जीते, जोशुआ ऑलरेडी टायर्ड अप थे, ऐसे ऐसे चीजें आई, बट वो पॉइंट ही नहीं था क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि आर्यन कंदारी लेफ्ट एंड राइट दोनों में जोशुआ को इजीली बीट कर सकते थे। बट यहाँ पे अब बात करते हैं मनोज देवनाथ वर्सेस आर्यन कंदारी की। सो मनोज देवनाथ ने एक अपर हैंड रखा क्योंकि उनके पास में ज्यादा अच्छा हैंड ग्रिप था, अच्छा कंट्रोल था। हैंड ग्रिप इन द सेंस कि मैच के टाइम पे नहीं, आफ्टर मैच उन्होंने बहुत अच्छा खासा हैंड कंट्रोल किया। उनका टॉप रोल बहुत स्ट्रांग था और जैसे आप देख सकते हो ये मैच में उन्होंने इजीली आर्यन कंदारी को बीट कर दिया था। इस हिसाब से मनोज देवनाथ बहुत स्ट्रांग है। इवन जोशुआ जब अपने बल्क्ड अप स्टेज पे थे और बहुत हैवी थे, तब भी मनोज देवनाथ ने उनको अच्छा खासा टक्कर देके उनको बीट किया था। और बात करते हैं एशियंस में और क्या क्या मैचेस हो रहे हैं। सो अभी बेंजामिन सेमीफाइनल्स जीत कर फाइनल्स में आ चुके हैं, और ये उनके वीडियोस जो आप लोग देख रहे हो, दैट इज सो अमेजिंग टू वॉच कि वो किस हिसाब से इजिली जा रहे हैं ऊपर की तरफ में। साथ ही साथ में सिद्धार्थ कतारिया भी बहुत अच्छा खेले और वो भी अच्छा खासा, आप उनके मैचेस देख सकते हो कितना इजिली वो विन कर रहे हैं, एंड वो जो शीयर स्ट्रेंथ, जो इंडियन स्ट्रेंथ है वो साफ साफ दिखाई दे। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से बोल दूँ कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत लोग पूछ रहे थे हम लोग से कि आभास राणा का कोई मैच हो रहा है क्या, क्योंकि आभास राणा का अब जब ऑर्डर लैरेट के अगेंस्ट में मैच है तो बहुत लोगों को इंटरेस्ट है उनके मैचेस देखने में। और आप देख सकते हो आभास राणा एज सो मच प्रेडिक्टेबल, एक अनबीटेबल किंग की तरह वहां पे हमें दिखाई दे रहे। जितने भी उनके प्रैक्टिस पुल आप देखोगे वहां पे वो अनबीटेबल ही है, उन्होंने सबको बीट किया है। सो इस हिसाब से आभास राणा का भी स्ट्रेंथ बहुत अच्छा चल रहा है। तो और अभी बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो मैचेस हो रही है, ये मैचेस कहाँ पे देख सकते हैं हम लोग? तो आप प्रो पंजा लीग के यूट्यूब पे जा सकते हो और वहाँ पे आपको ये सारे मैचेस लाइव चल रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हो। सो आज का वीडियो इसी बात पर ख़त्म करते हैं। इस हिसाब से हम लोग ने आपके लिए एशियंस का अपडेट लाया क्योंकि बहुत लोग हमसे कह रहे थे कि एशियंस के अपडेट हमको मिलते रहने चाहिए। सो और भी कई सारे वीडियोस हैं जो लोग अपलोड कर रहे हैं, आप उनके प्रो पंजा लीग के इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, यूट्यूब पे तो ऑलरेडी लाइव चालू ही है। सो ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे कोई नया इन्फॉर्मेशन, कोई नया कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय।